बचाती है ना तो आज अपने बाप को भी यही बचाएगी। क्या हुआ? हैरान हो गए मुझे देखकर कि मैं जिंदा कैसे खड़ी हूं। तुमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा। जब मनु मुझे दूध देने आई थी ना, ताई पीछे पलट कर मत देख, पीछे रौनक खड़े हैं। उसने मुझे तेरे दूध में जहर मिलाने को बुलाया, उसने पिया को भी किडनैप कर लिया है। प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए, दूध मत पीना प्लीज। प्लीज तुझे क्या लगा मनु तेरे जैसी निर्दय है जो अपनी सगी बहन को मारेगी? इसे लेके जाइए यहां से। चल। हमें माफ कर दो, हमने प्रिया का ये सच सबसे छुपा कर रखा। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करते, विसर्जन का टाइम हो गया, चलो निकलते। अंकिता जी, पापा, अंकिता जी, मूर्ति, अरे अंकिता जी, अंकिता जी, अरे नहीं मुझे क्यों छोड़ कहाँ जा रही है? अंकिता जी, अरे अंकिता, विसर्जन का टाइम हो रहा है, चलो। अत्या मुझे ऐसा लगा मुझे कोई आवाज दे रहा था, शायद आजी बुला रही होंगी, वो तुम्हें ढूंढ रही थी ना। नहीं आते, वो आवाज आजी की नहीं थी, वो किसी और की थी। आप एक काम कीजिए ना, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाना। आप क्या कर रही रोशाली जी? आप क्या कर रही? मुझे अंकिता जी से मिलने क्यों नहीं दिया? मेरा गिल्ट कम करना है, उन्हें सच्चाई बतानी है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कोई गिल्ट विल्ट कम नहीं करना है आपको, वो बात अब खत्म हो चुकी। अपना मुंह बंद रखने के पैसे दिए थे कि नहीं मैंने आपको? ये लीजिए आपके पैसे। लालच में आकर मैंने अपने पेशे से गद्दारी की, अपने पेशेंट के साथ विश्वासघात किया। अगर आज वो गलती मैं सुधारूंगा नहीं तो मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं जानता हूँ अंकिता जी ने जो भुगता है उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनका दुख जरूर कम कर सकता हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा कि उन्होंने मरी हुई नहीं बल्कि जिंदा बच्ची को जन्म दिया था और आज वो उनके सामने है। चुप रहिए, अगर ऐसा करोगे तो खुद भी जेल जाओगे, मुझे भी जेल भेजोगे। अब बहुत देर हो चुकी, ये पैसे रखो, जाओ यहाँ से। आप मुझे अंकिता जी से मिलने दीजिए वरना मैं सीधे पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। ठीक है, आप जाइए, बता दीजिए जाके अंकिता को, आपको बताना है ना, आप जाइए, अपना गिल्ट कम कर लीजिए आप। उसके बाद मेरी जिंदगी के साथ, मेरी बहू की जिंदगी के साथ क्या होगा उससे आपको क्या ध्यान देना। आप जाइए, आप बता दीजिए। आप जानते हैं कि मेरी बहू जो है वो उस बच्ची को अपनी सगी बेटी जैसा प्यार करती है, उसको सगी बेटी मानती है अपनी, एक पल उसके बिना नहीं रह सकती। वो और मेरा बेटा, उसके लिए तो वो बच्ची सब कुछ है, उसकी जिंदगी है वो। कितने लोगों के दिल टूटेंगे, लेकिन आपका बोझ तो कम हो जाएगा, इसलिए आप जाके बता दीजिए। मैं मानती हूँ कि उस वक्त मैंने जो किया वो गलत किया। मैं क्या करती, मैं बेबस थी, मैं सिर्फ अपने बेटे और बहू की खुशी के बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं। मेरे भी मन में आता है कि मैं अपनी गलती सुधारूं, लेकिन अब अगर वो गलती सुधारने गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अंकिता तो मान ही चुकी है ना कि उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था, अब अगर उसे सच्चाई मालूम पड़ेगी तो क्या गुजरेगी उसके मन पे? और आशी, छोटी बच्ची का नाम आशी है, वो तो मेरे बहू और बेटे को अपने असली माँ बाप मानती है ना। अगर उसे आज मालूम पड़ेगा कि वो उसके असली माँ बाप नहीं है, आप सोच सकते हैं उस छोटी सी बच्ची पर क्या गुजरेगी? आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा? और अंकिता, क्या आप जानते हैं कि वो एक आदमी से प्यार करती है, उससे शादी करने वाली है? जब उस आदमी को ये सब मालूम पड़ेगा तो क्या ये शादी हो पाएगी? फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो आप जाइए, बता दीजिए, जाइए। रोशाली जी, आप ठीक कह रही है, मुझे अंकिता को कुछ नहीं बताना चाहिए, ये सही वक्त नहीं है अंकिता जी को सच्चाई बताने का।
लेकिन आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं, पैसे आप रखिए। नहीं, ये आप रख लीजिए। मैं अपनी गलती पूरी तरह से तो नहीं सुधार सकता, लेकिन इस गलती का पश्चाताप तो कर ही सकता हूँ। नमस्ते। मानसी अभी तक डरी हुई है ना बेचारी, उसकी बेटी की जान पर हमला हुआ है। इस किस्म के बच्चों से भी उतना ही प्यार होता है ना जितना अपने बच्चों से। आई मीन मानसी का रेप हुआ है। बहिनी कुछ भी बोलती हैं आप, आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? किन्री, यू मस्ट बी फीलिंग बैड नो? ऑब्वियस है रौनक की जेल में रहने की वजह से तुम मां नहीं बन पाई, और वो मानसी शादी से पहले ही रौनक के बच्चे की मां बन गई। किन्री हर्ट हो गई होगी ना बेचारी, अब जो फैक्ट है तो फैक्ट ही रहेगा, सच कोई झुटला तो नहीं सकता ना। और लेकिन मानसी ने इतने सालों तक ये बात छुपाई क्यों? सबसे झूठ बोला उसने, और शशांक ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। मानसी को किसी पे तो भरोसा होता, किसी को तो बताती वो घर में। मुझ पर था परी, मुझ पर मानसी ने भरोसा किया था और मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मानसी ने ऐसा बच्चा एक्सेप्ट क्यों किया? एक सेकंड परी, जब एक लड़की माँ बनती है तो वो सिर्फ माँ बनती, वो ये नहीं सोचती कि उसके पेट में किसका बच्चा है, सिर्फ ये सोचती कि इस बच्चे को कैसे पैदा करना, उसे कैसे परवरिश देनी। जो मेरी बनू ने किया वो बिल्कुल सही किया, मेरी मनु ने सिर्फ ये सोचा कि उसका बच्चा इस दुनिया में कब आए। अगर वो उस बच्चे को पेट में ही मार देती तो शायद आज वो पछता रही हो, लेकिन उसने जो किया बिल्कुल सही किया। तो उसके खिलाफ कुछ भी कहने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? अच्छा, अगर तुम्हारा अपना बच्चा किसी और कपल के पास होता और वो उन्हें सगे माँ बाप जैसा प्यार करते, तो क्या तुम ये बात एक्सेप्ट कर लेती? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? तुम्हारा तो पता नहीं, आई मीन आई जस्ट होप रौनक भी ये बात ऐसी एक्सेप्ट कर ले। अगर सोचो कल को वो अपना बच्चा क्लेम करे तो? किस बात का क्लेम परी? क्लेम करने से क्या होगा? क्लेम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रौनक जैसे क्रिमिनल को कभी प्रिया की कस्टडी नहीं मिल सकती। और मुझे ऐसा लगता है हमें ये टॉपिक यहीं बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शशांक भी यहाँ है और उसको ये सारी बातें पता चले और उसे तकलीफ हो। ये खाना नहीं खाना। क्यों क्यों नहीं खाना? खाना क्यों नहीं खाना तुम्हें? रोज कोई ना कोई बहाना। चुपचाप खाना खाओ वरना। नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, आशी, नहीं खाना। जिद मत करो वरना मैं। परी एक सेकंड, हो सकता है कि आशी को शायद भूख ना लगी हो तो उसे क्यों जबरदस्ती खाना खिला रही हो? अंकिता ये मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। आशी चुपचाप खाना खाओ। आरुषि आपको खाना क्यों नहीं खाना? लड्डू खाए। आपको लड्डू पसंद है? हाँ। आरुषि आपको पता है मुझे भी लड्डू बहुत पसंद है। मैं आपके लिए ना नींबू पानी बना के लेके आती हूँ, ठीक है? ओके। एक और सिमिलैरिटी। आज ये बदमाश इतनी जल्दी सो गई? क्या हुआ, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अंकिता से पूछो ना, आजकल उससे कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है आशी की। वैसे अब कुछ नहीं, इसका थोड़ा पेट खराब था इसलिए सो गई होगी। तबीयत ठीक नहीं, इसने कुछ खाया था? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। परी हाउ कैन यू डू दिस यार, तुम्हें पता होना चाहिए क्या खा के सोई है क्या खा के नहीं सोई है। नरेंद्र तुम मुझ पे क्यों चला रहे हो? मैं काम में बिजी थी। चिल्ला कर रहा हूं, मैं तुमसे नॉर्मल बात कर रहा हूं ना। तुम नॉर्मल बात नहीं कर रहे हो, यू ऑलवेज ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। ओके जस्ट रिलैक्स, मैं तुमसे नॉर्मल बात कर लेता हूं। ओके नॉर्मली मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि इसके लिए माहौल नया है, यहां के लोग नए हैं, घर नया है, ऐसे में वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो हम दोनों की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका ख्याल रखें, उसकी तरफ ध्यान दें,
आशी को जितनी प्रॉब्लम उस जगह से मुझे उससे ज्यादा है। मैं भी ऐसे माहौल में बड़ी नहीं हुई थी, मुझे भी यहाँ एडजस्ट करना पड़ रहा है। और आशी को सिर्फ एक छोटा सा स्टमक प्रॉब्लम हुआ है जो ऐसे उम्र के बच्चों को होता रहता है। आज दवाई खाएगी, कल तक ठीक भी हो जाएगी, इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? और प्लीज तुम मुझसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ जो 24 घंटे उसकी सेवा करती रहूं, और ना ही मैं भगवान हूँ जो उसकी यहाँ तबीयत खराब हुई और वहाँ मुझे सपने में आ गया। प्रैक्टिकल भगवान की बात कहाँ से आ गई? तुम्हें कोई काम नहीं होगा लेकिन मुझे लाइफ में बहुत काम है। एक बार आशी को सीने से लगा के तो देखो, तुम्हें पता लगेगा कि ममता क्या होती है, बच्चों की अहमियत क्या होती है, प्यार क्या होता है। तनी क्या हो गया तुम्हें परी? स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आचार निंदिया आरे आजा, ममता की चादर की छैया तले राज दुलारी इनको सुला। आशी को एक माँ की जरूरत है। नहीं बन सकती मैं उसकी माँ, और अब मैं किसी की माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे अंदर की ममता को तुमने मारा है। मेरे बच्चे को मारने के बाद आप मुझे किसी और की माँ बनाना चाहते हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। सॉरी परी, लेकिन मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन अंकिता की आंखों में मैंने वो प्यार देखा है जो मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ आशी के लिए। पता नहीं तुम्हारे मन में कब जागी। मुझे इतना क्यों लगा हुआ है आरुषि से? इसे गले लगाने के बाद मैं जो महसूस करती हूँ शायद वो मैं वैष्णवी के साथ भी नहीं कर पाती। ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरा और उसका कोई नाता है? आरुषि का दर्द नहीं देख सकती। मेरे बच्चे के जाने के बाद जो ममता खत्म सी हो गई थी, ऐसा लगता है जैसे आरुषि से मिलने के बाद वो ऊपर से जाग गई। अभी भी बुखार लग रहा है। आशी, get up. No, get up. Now, Dada and Ashi will have milk. और सैंडविच, ओके? I don't want milk. Angel have milk, come on. मुझे नहीं चाहिए दूध। अच्छा, ओके, सैंडविच खाते हैं, ओके? चलो, आ। सेवन नहीं चाहिए। आशी ऐसे नहीं करते हैं। बुखार चढ़ा हुआ है ना? अगर खाओगी पियोगी नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी? Then how will you become strong like Dada? See, you want to become strong like Dada ना? So have, come on, आ। ये सेवन नहीं चाहिए Dada. परी, परी। हाँ? दो मिनट छोड़ो ना काम प्लीज, वो बीमार है। And just help me out, इसको अच्छा नहीं लग रहा है ये सैंडविच और मिल्क, कुछ बना के ले आओ प्लीज। नरेन, तुम मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे हो? अगर वो तुम्हारे हाथ की बनी चीज नहीं खा रही तो मेरे हाथ की बनी चीज तो बिल्कुल नहीं खाएगी। तुम जानते हो, she doesn't like me. आजी, what do you want to do? I'll make एक काम करो, अपना वो फेवरेट बीटरूट सूप बना दो, आई थिंक उसको अच्छा लगेगा। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया, मैं भी वही पीता था ना जब बीमार होता था। ओके, I'll make you beetroot soup. You'll have that. You'll have it. I'll get it. पता नहीं क्या हो रहा है, सब तो ट्राई कर लिया मैंने, वो टेस्ट नहीं आ रहा जो मेरे को चाहिए और मैं जो पीता हूँ। I don't know what to do. तो मसाला भी डाल के देख लिया। Still not there, यार वो क्या डलता था exactly, और क्या कितना time लगेगा नरेन, हम late हो रहे हैं office के लिए। हाँ, I know, लेकिन परी
वो टेस्ट वैसा आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। एक काम करो तुम ट्राई करो बताओ कि क्या कम है। नरेन तुम क्या अभी तक ये सब कर रहे हो, हमें लेट हो रहा है। देखो आशी को सूप दे दो, आई एम श्योर शी लाइक इट। अच्छा तुम एक बार ट्राई तो करो। नरेन टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम प्लीज लेट मत करना। अच्छा ओके। ओ मैन दिस इज नॉट इट। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो आशी को अच्छा कैसे लगेगा। आई डोंट नो क्या कम है इसके अंदर, मॉम से पूछता हूँ वो क्या डालती थी। आरुषि मम्मा कहीं चुपके चुपके नहीं जा रही है। मम्मा को लगा कि आरुषि सो रही होगी, आरुषि की तबीयत खराब है, इसलिए मैं बस उसे सोने देना चाहती थी। वैसे आपके लिए सूप आया है, पियोगे आप सूप? चलो गेट अप देन। मम्मा कल रात आए थे ना? हाँ मैं कल रात को आई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आरुषि को बुखार है, तो मम्मा को तो आरुषि के पास होना चाहिए था। चलो जल्दी से सूप पी लेते हैं। कैसा बना है? अच्छा। पक्का अच्छा बना, आपको अच्छा लगा? हाँ। अभी एक काम करो आरुषि, आप पियो अपने मन से, मम्मा को तैयार होना है, मम्मा को ऑफिस जाना है ना। हाँ। मैं आपके डैडा को भेजती हूँ, जल्दी से अपना सूप फिनिश करना। ओके बाय। Like it? Please see? Make dad also have. Give me a sip. Please? Perfect. एकदम exactly. वही taste. सालों हो गए हम एक दूसरे से अलग हुए हैं अंकिता, लेकिन जितना तुम मुझे समझती हो शायद कोई और नहीं समझता, परी भी नहीं। You scared me. हो जा। क्या किया पूरा दिन आज? अंकिता मामा ने जो सूप बनाया था, उसे पी लिया और पेट खत्म। Very good. And अब इतना अच्छा सूप नहीं बना सकते। हाँ। अच्छा? अच्छा सूप नहीं बनाता? अच्छा, अभी क्यों किस कर रहे हो? मैं तो सूप नहीं अच्छा बनाता। Actually, I'm careful, no you. You care for me? I dash you. मैंने तो नरेन से ऐसा कुछ कभी कहा ही नहीं। फिर नरेन कहीं अंकिता से तो? I dash you. मतलब? दादा आप नहीं समझे, सिंपल है। I dash you. Fill in the blanks. I dash you. ये लाइन आपको किसने सिखाया? अंकिता मामा ने सिखाया। I dash you, I love 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 you। देखो परी, जो मैं देख पा रही हूँ ना वो तुम्हें नहीं दिख रहा। जो कुछ अंकिता कर रही है ना मुझे साफ दिख रहा है, वो हर छोटी छोटी चीज में नरेन की मदद करती है। अगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर तुम इग्नोर करती रही तो वो तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ छीन के ले जाएगी। तुम्हारा और नरेन का रिश्ता खतरे में है। अंकिता तुम्हारे लिए खतरनाक है। अरे परी, व्हाट आर यू डूइंग? क्या बचकानी हरकत है ये? परी? या। वैसे तो हमारी एनिवर्सरी अंकिता के किडनैप होने से पहले थी। इतने सारे स्ट्रेस की वजह से हम सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। ये सब की क्या जरूरत है? नरेन, हमारी एनिवर्सरी है जो साल में एक ही बार आती है। We have to celebrate. चलो। Happy anniversary, champagne. Very nice. एक बात पूछूं, पूरा तो नहीं मानोगी? हाँ, पूछो। इतने सालों से हमारी एनिवर्सरी आ रही है।
हमने कभी सेलिब्रेट नहीं की, तो फिर इस साल क्यों? आई मीन आई एम लाइकिंग ऑल योर एफर्ट्स, लेकिन अचानक आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं जानती हूँ आजकल हमारे बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत इश्यूज हैं, लेकिन मैं तुमसे जितनी भी नाराज होना ना रही, मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होता। और आज मैं सोच रही थी कि हमारे हालातों की वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और मैं बहुत डर के नहीं रही, आई डोंट वांट टू लूज यू। तो मैंने बस सोचा कि सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा, इट विल बी रिफ्रेशिंग। और मैं कहीं नहीं जा रहा, आई लव यू। लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना आजूबाजू के घर में being all this। वो सब तुम मत सोचो, मैं मैनेज करूंगी, तुम केक खाओ, चल ध्यान दे। चलो रेडी, 1 2 हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या हुआ? मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ। I'm so happy. बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज, थैंक यू। आई एम ग्लैड। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा। है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। अंकिता, दरअसल वो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। थैंक यू। केक? क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गई कि अंकिता आई थी? लेट्स बी इन द मोमेंट, इतना मजा आ रहा था। चलो लेट्स कंटिन्यू डांसिंग।
मॉम आपका आइडिया काम कर रहा है, अंकिता जेलस फील कर रही है। नाउ आई गेट योर पॉइंट, अंकिता को नरेन से दूर रखना है तो उसे इसी तरह हर्ट करना होगा। चिल, रिलैक्स, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? और कौन है दर्पण? वही जो गणेश उत्सव में पापा से मिलने आई थी। अरे वो तो बहुत क्यूट है। बैठो बैठो। अच्छा कब आ रही है वो? आज शाम को 7 बजे सी टीवी पर। चलो अच्छा है, तुम लोगों के साथ साथ आज मैं भी उससे मिल लूंगी। ये!